दोस्तों, यह एक मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। मेरा नाम गीता है और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। जब मेरे साथ ये घटना हुई तब मैं बस 19 साल की थी और तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तब भी मेरे संतरे अच्छे दिखते थे और उनका साइज 32 था। मैं आपको बता दूं कि मेरा रंग गोरा है और हाइट 5 फुट 6 इंच है। जब ये घटना हुई तब मैं कॉलेज अपनी कॉलेज वैन से जाया करती थी और मैं हमेशा वैन में ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठा करती थी। मेरी वैन का ड्राइवर 30 साल का दुबला पतला सा लड़का था। वो हमेशा मुझे टोफी और चॉकलेट दिया करता था। मुझे तब तक उसकी गंदी सोच के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी, लेकिन जब मेरे संतरे बड़े हुए तब से उसकी सोच मेरे लिए कुछ और हो गई थी। मेरा घर हमेशा आखिर में आता था तो वैन में ड्राइवर के साथ में अकेली रह जाती थी और सुबह के वक्त भी कुछ समय तक मैं अकेली होती थी। शुक्रवार की सुबह में कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई तो मैं जल्दी जल्दी में अपने जूतों के फीते बांधना भूल गई और ऐसे ही वैन में बैठ गई और ड्राइवर ने मुझे स्माइल देकर दरवाज़ा खोला और मैं वैन में बैठ गई। जब मैं वैन में बैठी थी तब मेरी स्कर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती थी और मेरी जांघें दिखने लग जाती थी। इसके बाद उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने मेरे जूतों के फीते खुले देखे और बोला, गीता तुम्हारे जूतों के फीते खुले हैं, इसे बांध लो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं कॉलेज में बांध लूंगी, लेकिन उसने बोला कि कॉलेज में तुम फीते के कारण गिर जाओगी तो रुको, मैं तुम्हारे फीते बांध देता हूँ। ये कहकर उसने अपना एक हाथ मेरी जांघों पर रखा और झुककर फीते बांधने लग गया। उसके झुकते ही उसने मुझसे मेरे पैर थोड़े फैलाने को बोला जिससे वो मेरे फीते आराम से बांध सके। इसके बाद मैंने भी अपने पैर थोड़े फैला दिए। जब मेरे पैर थोड़े से खुले तो ड्राइवर ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी टांगों की जगह से मेरी पैंटी देखनी शुरू कर दी और जांघों पर अपना हाथ फेरने लग गया। मुझे ये सब गलत लगा तो मैंने उसका हाथ हटा दिया और अपने हाथों का एक साथ जोर दिया ताकि वो मेरी पैंटी से मेरी गुफा की फीलिंग ना ले सके, लेकिन वो इसके बाद मेरे फीते बांधने लग गया। इसके बाद फीते बांधकर उसने इसके बाद से वैन चलानी शुरू कर दी और इसके बाद बाकी बच्चों के घर से उन्हें लेने लग गया। मैं बहुत डरी हुई थी तो जब तक कॉलेज ना आया तब तक मैं वैन की खिड़की से बाहर ही देखती रही और ड्राइवर की तरफ नहीं देखा। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, बस एक गंदी सी भावना आ रही थी। इसके बाद हम कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में व्यस्त हो गए। इसके बाद कॉलेज की छुट्टी के बाद में इसके बाद से वैन में जाकर बैठ गई। इसके बाद उसने सबको घर छोड़ दिया। अब ड्राइवर और मैं हमेशा की तरह वैन में केवल मैं अकेली रह गई थी। ड्राइवर के मुंह पर अजीब सी हंसी थी। इसके बाद उसने मुझे टोपी दी और मैंने वो रख ली। इसके बाद वो मेरे बाहर देखने का फायदा उठाते हुए उसने वैन लंबे रास्ते से ले ली और जब मैंने उससे पूछा कि ये दूसरे रास्ते से क्यों चल रहे हो, उसने कहा कि दूसरे रास्ते में ट्रैफिक चल रहा है तो वैन इस रास्ते से ले ली। वो टूटा फूटा रास्ता था तो वैन के झटकों से मेरी स्कर्ट इसके बाद से ऊपर हो गई। ये देखते ही ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ और उसने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया और मेरी जांघों को रगड़ने लग गया। इसके बाद मैंने उसका हाथ हटाया तो उसने अपनी हवस वाली मुस्कान देते हुए इसके बाद से अपना हाथ मेरी जांघों पर रख दिया और रगड़ता हुआ थोड़ा ऊपर भी हाथ फरने लग गया। मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी क्योंकि उसने मेरी जांघों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और मैं अपने दोनों हाथों से भी उसका हाथ नहीं हटा पा रही थी। इसके बाद उसने अपना हाथ हटाकर मेरे संतरे को पकड़ लिया। मेरे संतरे को उसने ऐसे पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं चीखी, आ हे माँ। उसने इसके बाद मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारी गुफा वाली जगह चेक कर सकता हूँ। ये सुनकर मैं रो पड़ी। इसके बाद उसने वैन एक सुनसान इलाके में रोक दी और मेरे आंसुओं को मेरी छाती से अपनी जुबान से लिख किया और मेरे होंठों पर स्मूच करनी शुरू कर दी और मैं अब भी रोए जा रही थी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ था।
इसके बाद उसने अपने होंठ थोड़े पीछे किए तो इतनी देर से अपने होंठ बंद रखने के कारण मैंने रिलैक्स होने के कारण अपने होंठ थोड़े खोले। तभी झट से ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सुबान मेरे मुंह में डाल दी और फ्रेंच किस करनी शुरू कर दी और एक हाथ से मेरे संतरे दबाने शुरू कर दिए। मैं मम्मी मम्मी कर रही थी, लेकिन उसने इस बात की परवाह ना करते हुए मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे पीछे की सीट पर लेटा दिया। इसके बाद मैंने ड्राइवर से मुझे घर छोड़ देने को बोला, लेकिन वो कहने लगा कि तू जब से जवान हुई है तब से मैं तेरे बारे में सोचकर पागल हो जाता हूँ, तो मैं तुझे कैसे जाने दूँ, और चुपचाप हो जा, नहीं तो यही जंगल में नंगी छोड़ जाऊंगा। इसके बाद में डर गई और उसने मेरी शर्ट उतार दी और ब्रा फाड़कर मेरे दोनों सत्रों को दबाया और सीधे काटना शुरू कर दिया। मैं दर्द के मारे रो रही थी और मुझे जाने दो की पुकार लगा रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनते हुए मेरी स्कर्ट निकाल फेंकी और पैंटी के ऊपर से मेरी गुफा को रगड़ने लग गया। मेरी गुफा भी गीली हो गई थी। तब उसने मेरी काली झोली को फाड़ दिया। इसके बाद मेरी गुफा को देखकर बोला कि वाह क्या चीज है तेरी, अब तैयार हो जा औरत बनने के लिए। तो मैं डर गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब वो क्या करेगा, और मैं रोए जा रही थी। उसने मेरी चिड़िया पर थप्पड़ मारे और चाटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपना केला जो 7 इंच का था मेरी चिड़िया पर टिकाया और एक धक्का मारा, लेकिन उसका नागराज फिसल कर मेरे पेट पर आ गया। उसने इसके बाद से नागराज को टिकाया और मेरी कमर को पकड़कर जोर से धक्का मारा और मेरी चिड़िया फाड़कर उसका नागराज गुफा के अंदर घुस गया। मेरी दर्द के मारे चीख निकल गई, मैं आ मम्मी करके रोने लग गई, लेकिन वो जानवरों की तरह मेरे संतरे को काट रहा था और बड़े नागराज घुसने के बाद उसने 1 मिनट तक अपने नागराज को फिट किया और झटके मारना शुरू कर दिया और मेरी चीखें निकलनी शुरू हो गई। मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा था और खून निकल रहा था, लेकिन ड्राइवर जानवरों की तरह जोर जोर से खोद रहा था। इसके बाद उसने मेरी टांगे और चोड़ी की करीब 10 मिनट खुदाई के बाद उसने अपना तेल गुफा में भर दिया और नागराज को बाहर निकालकर मेरी गुफा पर पट 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 करके मारने लग गया। मैं अभी भी मरी हुई पड़ी थी और इसके बाद उसने अपनी उंगली मेरी गुफा में डालकर वो सारा पानी निकाला और पानी की बोतल से पानी पीकर कुछ देर लेट गया। इसके बाद कुछ देर बाद उसने मुझे कपड़े पहनने को बोला और धमकी लगाई कि अगर मैंने किसी को बोला तो वो मेरा अपहरण करके रोज मुझे ऐसे ही खो देगा। इसके बाद मैंने डर के मारे उसे हौसला दिया कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी और उसने मुझे इसके बाद घर छोड़ दिया। उस दिन मैं सारा दिन चल नहीं पाए और कमरे में बैठी रही और डर के मारे मैंने अपनी माँ को बोलकर वो वेन बदल ली, लेकिन अभी भी वो मुझे देखकर गंदे गंदे इशारे करता रहता है, लेकिन मैं उन दिनों को भूल नहीं पा रही। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।